इतना खतरनाक था कि काबू करने गए दो वनकर्मी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। राजधानी में 20 घंटे की इस दहशत ने वन विभाग के संसाधनों की पोल खोलकर रख दी है। हर किसी के चेहरे पर था खौफ। जयपुर में एक पैंथर का आतंक, शिकंजे में पैंथर, दहशत के वो 20 घंटे, जयपुर के रिहायशी इलाके से 20 घंटे की मशक्कत के बाद शिकंजे में आया ये पैंथर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। देखिए वन विभाग ने कैसे एक घर में छिपे पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। इसके साथ ही जब पैंथर को घर से बाहर निकाला गया तो लोगों के चेहरे से दहशत खत्म हो गई। ये पैंथर इतना खूंखार था कि फॉरेस्टर गौरव राठी पर हमला कर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। इससे पहले गुरुवार को भी इसी पैंथर ने एक वनकर्मी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। हालांकि राहत की बात यह है कि पैंथर को आखिरकार काबू में कर लिया गया है। वन मंत्री सुखराम विश्नोई भी घायल फॉरेस्टर गौरव राठी से मिलने अस्पताल पहुंचे। आज मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन मिली कि ये मकान में एक है, वहाँ पे हमने पूरी प्लानिंग की क्योंकि ये छत में जीना जो होता है उसमें घुसा हुआ था, तो पहला ये प्रयास था कि जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं उसको बंद किया जाए ताकि लेपर्ड द्वारा किसी भी तरह की जनहानि नहीं हो पाए और वो बाहर निकल के किसी को इंजर नहीं कर पाए। डार्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट में ये बेहोश हो गया, फिर इसको सक्सेसफुली इसको हमने रेस्क्यू करके फिर यहाँ पे लाए जहाँ पे अभी इसका हेल्थ इवोल्यूशन करेंगे। दहशत के वो 20 घंटे, आखिर कैसे किया गया इस खूंखार पैंथर को काबू? जयपुर के लोगों के लिए दहशत के वो 20 घंटे कैसे गुजरे आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। जंगल से आबादी में आ घुसे इस पैंथर के निशाने पर कोई भी हो सकता था। हर तरफ खलबली थी, वन विभाग का हर प्रयास बेकार जा रहा था। दहशत का आलम ऐसा कि रामबाग क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। जो रिहायशी जो इलाका है उस ओर यहां पर बढ़ गया। ये आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक भगेरा 6:12 पर इन्हीं सीढ़ियों के अंदर यहां पर मौजूद था। गुरुवार को इस खूंखार पैंथर की सीसीटीवी कैमरे में पहली तस्वीर दिखी। लोगों ने इस पैंथर को मोती डूंगरी देवी पथ क्षेत्र में भी देखा। पैंथर के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन तक लगाए गए। गुरुवार को शाम करीब 4 बजे इस पैंथर ने एंट्री की। सबसे पहले पैंथर ने एक शख्स को घायल किया, इसके बाद एक कैफे में जाकर छिप गया। खबर मिलते ही अधिकारी पैंथर की तलाश में जुट गए। सीसीटीवी में कैद पैंथर की ये तस्वीर देखिए, कैसे पैंथर रात के अंधेरे में बेखौफ होकर घूम रहा था। नहीं, सच्ची में शेर आ गया और इसके ऊपर कूदता हुआ वो वगैरह किचन की, जहाँ मैं किचन में खड़ी थी वहाँ आ गया और किचन से भाग करके और ये नीचे जो R18 कैफे चलता है हुक्का बार उसकी तरफ भागा। वो उसकी दाड़ने की आवाज लगातार आ रही थी, लगातार वो घूम रहा था। इस बीच शुक्रवार को ये पैंथर एक महिला के घर में घुस गया। वन विभाग की टीम भी शूटर के साथ इस महिला के घर में दाखिल हो गई। अब पैंथर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में कामयाबी हासिल की। मेरी चाइना से स्टूडेंट आई हुई थी और मैंने मिरर से देखा कि बिल्कुल मिरर में एक मुझे टाइगर सा प्रिंट दिखा। जब मैंने उसको बहुत नियर से देखा तो मैंने देखा कि वो टाइगर ही था। मैंने सारे डोर क्लोज किए और इन्फॉर्म किया और फिर मैंने देखा कि वो बाबा स्टेज से ऊपर आ रहा है, स्टेज से जा रहा है। फिर मैंने अपने आसपास सारे लोगों को इन्फॉर्म किया कि मेरे घर में टाइगर है। दहशत के 20 घंटे के बाद भले ही पैंथर काबू में आ गया हो, लेकिन सवाल तो ये है कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में पैंथर को काबू करने में 20 घंटे कैसे लग गए? सवाल ये भी कि क्या जंगलों की अंधाधुंध कटाई से
खूंखार जानवर अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। बहरहाल खौफ के 20 घंटे के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।